What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 22 जनवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। मंडे को ही हमने देखा एक ज़बरदस्त निफ्टी में बियरिश कैंडलस्टिक बना था और उसके बाद कल एक निफ्टी में फिर से लाल कैंडल बना। हालांकि थोड़ा सा पॉज लेते हुए निफ्टी इंडेक्स दिखाई दिया एक सर्टन लेवल के ऊपर। तो आज कहाँ पर इंट्राडे के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 21 जनवरी आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,254 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,213। तो जैसे कि आप देख रहे थे, कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 12,186 इसी के पास ओपन हुआ और तुरंत नीचे जाके जहाँ पर हमने सेकेंड टारगेट का लेवल मार्क किया था 12,166 के पास एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि हमारे टारगेट के पास ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ऊपर जाने के बाद अराउंड 20 AMA के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तभी इसने फिर से हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया 12,186 और सेकेंड टारगेट 12,166 ये भी यहाँ पर अचीव किया। काफ़ी एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेवल कल एक्यूरेट साबित हुआ। इसी के पास निफ्टी इंडेक्स कई बार आने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन 12,166 ब्रेक नहीं हुआ। तो ये लेवल्स कल कैसे आइडेंटिफाई किए थे ये अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में हमें आपको कल के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 34 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में देखे तो 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी थोड़ा रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है, 30 पॉइंट्स की बढ़त है। निक्केई 120 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में 35 पॉइंट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखें तो इस समय 54 पॉइंट के बढ़त के साथ ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। कल जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर एक अभी बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। ये जो प्रीवियस कैंडल था इसको इनगल्फ कर रहा है ये बेयरिश कैंडल। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है 12,110 के पास ऑलमोस्ट, जैसे हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को कल यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसके बाद अगर 12,100 को भी ब्रेक करता है तो नीचे 20 AMA का सपोर्ट होगा जहाँ पर ये 38.2% का लेवल भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पर 11,900 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ये वीकली चार्ट हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट। तो कल यहाँ पर ये 12,166 के पास आके ये रुका है। तो इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो पास्ट में इसने दो बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था और यही स्विंग हाई बना था पास्ट में। ये देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करता है। तो अभी फिर से एक बार इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके तुरंत नीचे एक गैप क्रिएट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, तो ये गैप यहाँ पर फिल होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो इससे पहले ये अगर 12,160 को सपोर्ट लेके अगर बाउंस बैक दिखाता है तो ऊपर 20 EMA जो है ये अराउंड 12,218 के पास है। तो इसके ऊपर अगर वन आवरली चार्ट में सस्टेन करता है तो यहाँ से पुल बैक होते हुए निफ्टी इंडेक्स हमें दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ से अगर कोई ऊपर में अगर पुल बैक आता है तो 20 EMA को ब्रेक करना फिर से एक बार काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो अगर यहाँ से 12,160 को ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट होगा 50 EMA का, जो कि ये ब्लू लाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है जो कि अराउंड 12,074 के पास है। तो ये यहाँ पर एज पर डेली चार्ट नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। लास्ट जो भी फॉल आया था
वहाँ पर भी हमने देखा 50 EMA को ये ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया, तो यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था। तो 12,160 को ब्रेक करता है तो नीचे ये 50 EMA का सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन सकता है। तो ये है डेली चार्ट का सिनारियो अभी इस समय। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है, यानी इस लेवल के पास अराउंड 12,160 के पास अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है कंफर्टेबली, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो सकता है हमारा ब्रेक डाउन लेवल, इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल। तो तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जो कि 12,144 के पास है। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,129-130 कर लेते हैं, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। और अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं कल एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। शुरू के दो घंटे के बाद निफ्टी इंडेक्स एक रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा था, तो इसका रेंज बन रहा है ऊपर में। ये जो R1 का अभी पिवट पॉइंट है, इसी के पास ही ये इसका अपर बैंड का लेवल बन रहा है। तो अगर ये कंफर्टेबली 12,212 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,235, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,245, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये हो सकता है 12,212, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल, इसे हम मार्क कर देते। ब्रेकआउट लेवल, तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।